नमस्ते फ्रॉम इंडिया गाइस, आई एम मीतू एंड हियर आई एम शेयर विथ यू इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू यस मधुबनी पेंटिंग। वैसे तो आप सभी मधुबनी पेंटिंग को जानते ही होंगे और जानना भी चाहिए, क्योंकि यह जितना राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलर है उतना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पॉपुलर है। मधुबनी पेंटिंग का ओरिजिन बिहार के मिथिला रीजन में हुआ, इसीलिए इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया का मोस्ट फेमस और ओल्डेस्ट पेंटिंग में से मधुबनी पेंटिंग एक है। इसे नेपाल में भी बनाया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं मधुबनी पेंटिंग के फेमस होने की, तो यह बात डब्लू जी आर्चर के बिना थोड़ी सी अधूरी सी है। डब्लू जी आर्चर कौन थे? ये बात है 1934 की, जब बिहार में बहुत तेज भूकंप आया था, चारों तरफ विनाश ही विनाश हुआ था। तब इस भूकंप के निरीक्षण के लिए डब्लू जी आर्चर बिहार आए थे और वहीं पे उनकी नजर बिहार के चित्रकला शैली मधुबनी आर्ट पर पड़ा और तब यह पेंटिंग जाकर प्रकाश में आई। लेकिन इसे आधिकारिक मान्यता तब प्राप्त हुआ जब 1970 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा जितवारपुर गाँव की महिला आर्टिस्ट जगदम्बा देवी को पुरस्कृत किया गया और तब से लेकर अब तक कलाकारों और पुरस्कारों का सिलसिला चलता ही जा रहा है। इस वर्ष की ही बात है, 26 जनवरी को मधुबनी आर्टिस्ट दुलारी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आर्ट किसी की लाइफ में खुशियां ला देता है, यह तो आप सभी सुने होंगे, लेकिन आर्ट किसी के लाइफ में परिवर्तन कर देता है, यह दुलारी देवी के साथ हुआ। दुलारी देवी मधुबनी आर्टिस्ट कर्पूरी देवी के घर पर मेड का काम किया करते थे, वहीं पे उन्होंने इस आर्ट को बनते हुए देखा और फिर शुरू हुआ देखने सीखने और बनाने का सिलसिला। और बात तब की थी और अब की, जब मधुबनी पेंटिंग का डिस्कशन बिना दुलारी देवी के अधूरा सा है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट।